थे हमारी क्लास में एक या दो लड़कियां हुआ करती थी, आज पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद चुने। इसी के साथ श्री वेदभूषण जी प्रेसिडेंट विद्या भारती जम्मू कश्मीर का भी इस सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। रिटायर्ड प्रिंसिपल सिंदूर सिंह बनवाल जी का भी सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हाय हेलो मैम, मैम माय नेम इज सत्यजीत सिंह। और आपके ग्रुप का क्या नाम है? मैम इट इज कैलाइडोस्कोप। आपको कैलाइडोस्कोप दिखा रहा है, क्या है ये? मैम इट्स मैम बेसिकली बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्रैक्शन। इसके यूज क्या है सर? इसके अंदर सर पैटर्न्स दिखते हैं, ये कारपेट्स या जो कर्टन्स होते हैं उनसे जो डिजाइन बनते हैं उनका आइडियाज लिए जाते हैं ताकि उसमें डिजाइन बने। तो ये कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है जो देखने वाला माया जाल की तरह दिख रहा है सर। सर जैसे सर जिस रूम में सर जैसे मिरर रूम होता है ना सर जी, सर वैसे इसमें सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सर मूव ऑन होती है उसकी वजह से। मतलब आपको अगस्त्य फाउंडेशन ने बताया भी इसके बारे में लेक्चर सर? यस सर, और दे डिलीवर यू लेक्चर और आपको समझाया बताया अगस्त्य के साथ? यस सर। कर रहा है स्कूल के साथ मिलकर और भारतीय विकास भारतीय शिक्षा संस्थान के साथ मिलकर ये एक्टिविटीज बाकी स्कूल में भी इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। और मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकल और मॉडल बेस्ड जो ट्रेनिंग होती है उससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग काफी जल्दी होगी, बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। तो बहुत जरूरी है ऐसी ट्रेनिंग और ऐसे मॉडल और ऐसी एग्जीबिशन और ऐसे इनिशिएटिव जो अगस्त फाउंडेशन डिफरेंट स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रही है। मुझे और खुशी है कि यहाँ बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ संस्कृति की भी पढ़ाई कराया जा रहा है, हमारी कल्चर के बारे में इनके मुख से अच्छे अच्छे प्रवचन अच्छे अच्छे जो हमने सुना यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारी संस्कृति में अपने आप में एक बड़ा रिच एक कल्चर है और उसको हम एकेडमिक्स के साथ जोड़ के अगर हम उसको पेश करते हैं तो एक पर्सनल अच्छी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। एक बार फिर मैं एक दोबारा से उन यहाँ के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इन बच्चों के करियर के लिए और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए खासकर अनप्रिविलेज क्लास बच्चों के लिए ये स्कूल चला रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सब बच्चों के भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए आप सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो यहाँ पर मॉडल आपके सामने पेश हो रहे हैं और जिस तरीके से इन बच्चों ने उसकी प्रस्तुति दी बहुत ही एक अच्छा लगा हमें। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे बोल रहे थे, सभी अधिकारी कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। मैं हाँ मॉडल से बहुत जल्दी सीखता है, जैसे पेंसिल के बारे में डिटेल से बात हुई, बॉडी पार्ट के बारे में से बात हुई, एथलिक के बारे में भी बात हुई, सभी चीज़ें इतने से बढ़िया थी। उसके लिए मैं अगस्त्य फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल को चुना। इसके लिए भारतीय विद्या मंदिर के यहाँ के प्रिंसिपल के स्टाफ यहाँ के पदाधिकारी और काफ़ी गण्य माने व्यक्ति यहाँ इस स्कूल से और एसोसिएशन से जुड़े हुए और अगस्त फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे जो बच्चों के लिए प्रोग्राम किया गया जहाँ बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जिबिट पेश किए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि बच्चों की एकेडमिक इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और अगस्त फाउंडेशन जो है अपना एक रोल अच्छा रोल प्ले कर रहा है जो ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट स्कूल के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके जो बच्चों के स्किल सेट है उनको प्रमोट कर रहा है बाय वे ऑफ एग्जीबिशन। तो बहुत खुशी की बात है ऐसा कार्यक्रम भी जो भी ऑर्गेनाइज किया गया उन्होंने इस विद्या मंदिर को चुना जो अपने आप में एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है।
मैं उम्मीद करता हूँ ये इनिशिएटिव बाकी स्कूल में भी कैरी फॉरवर्ड करने का फाउंडेशन और स्कूलों के लिए एक लर्निंग लेसन है कि वो ऐसे मॉडल अडॉप्ट करें अपनी ट्रेनिंग सेशंस के लिए ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सके। और यहाँ जो बच्चे ने मॉडल्स पेश किए बहुत बढ़िया मॉडल थे, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, दर्शाता है कि यहाँ के स्कूल्स के स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी को और यहाँ के स्टाफ की काबिलियत को जो जो शिक्षा वो स्टूडेंट्स को प्रदान करें। थैंक यू।